डर है ना, लालू जी से डर है, बिहार में लालू जी से डर है, इसीलिए हम लोग को बांधना चाहता था। हम लोग बनाए वाला आदमी थोड़ी है, आना भागने वाला आदमी है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। जब राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यूपीए की सरकार में रेल मंत्री थे, आरोप है कि रेल मंत्री होते हुए वह रेलवे में जो है घोटाला किया है। आरोप यह भी है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले आवेदकों से उन्होंने जमीन और प्लॉट जो है अपने नाम करवाए हैं। यही नहीं, जब सीबीआई इन सब मामलों में दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट जो है आरोपियों को 15 मार्च तक समन जारी किया है। बता दें कि कोर्ट के द्वारा जो है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य लोगों के खिलाफ समन जारी किया गया है। इस विषय पर जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मीडिया सवाल जब पूछा है तो क्या कुछ पहले उनका कहना है, आप वह सुने। मोदी ऐसा, मोदी सबको भगा रहे हैं। 12:30 बजे नीरव मोदी को भगाए ना, करेज लेकर भाग गया, भागने वाला है। मोदी जी सहायता अति पूछ रहे हैं समय। ये बार बार विपक्ष को इस तरह से तंग कैसे हो कर रहा लोग, सीबीआई का, ईडी का, आईटी का? डर है ना, लालू जी से डर है, बिहार में लालू जी से डर है, इसीलिए हम लोग को बांधना चाहता था। हम लोग बनाए वाला आदमी थोड़ी है, आना भागने वाला आदमी है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें टलने की नाम नहीं ले रही है, तो वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि यह सब जानबूझकर कराया जा रहा है। इससे न लालू यादव डरने वाले हैं और न ही अन्य कोई डर रहे हैं और न ही हम लोग भागने वाले हैं, हम लोग डट कर सामना करने वाले में से लोग हैं। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव का भय जो है वह मोदी, नरेंद्र मोदी को सता रहा है, यही कारण है कि वह सीबीआई और ईडी का जो है जांच करवा रहा है। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि जिस तरह से जो सीबीआई है जानबूझ करके लालू प्रसाद यादव को जो है परेशान करने का कोशिश कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबको पता है कि 2024 में चुनाव होना है और चुनाव को लेकर के जो है मोदी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव से भय जो है वो हो रहा है। यही कारण है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वह हर तरह से जो है हथकंडा अपना रहे हैं, खास तौर से बिहार की राजनीति में। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी अभी बिहार में लालू प्रसाद यादव को टारगेट कर रहे हैं, तो जिस तरह से पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकार पर लोगों की जो निगाहें थी वह टिकी हुई थी और सफाया हुआ, मोदी का भी उसी तरह से सफाया हो जाएगा। यह कहना किसी और का नहीं है बल्कि राबड़ी देवी ने कहा है। राबड़ी देवी ने यह भी कहा है कि चाहे वह सीबीआई और ईडी का लाख भय वो दिखा दें, लेकिन इससे लालू प्रसाद यादव डरने वाले में से नहीं है। जिस तरह से अन्य लोगों की सत्ता गई, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी की भी सत्ता 2024 में चली जाएगी। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, धन्यवाद।